वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष क्लास आठवीं की एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या उसका टॉपिक है मैं उसको आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहे। तो चलिए हम जो हमारा टॉपिक है हम उसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि पहला है कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। दूसरा यह है वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और पैरामेशियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो एक कोशिका का बना हो, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट है जंतु कोशिका, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा इसका जंतु कोशिका का, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका के मुख्य अंगक झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक हैं। जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है या आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट हमारा जो दिया गया है कि जीवित कोशिका के अंदर सभी कार्य जीवित कोशिका के अंदर के सभी भाग को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। कोशिका विभाजन के समय या सेल डिवीजन के समय ही देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा है कि हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है आवश्यक होता है। केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि वे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंदर झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं, और वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली विहीन होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकाओं के नाम माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम और लाइसोसोम है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया है, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पे आएंगे कि जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन की संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका उत्तक अंगों का कई अंग मिलकर के एक शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसको हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और जब कई कोशिकाएं आपस में समरूप क्रिया को संपादित करती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है, जब कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो एक अंग बनाती है, जब कई
अंग आपस में मिलते हैं तो एक अंगतंत्र बनता है, और कई अंगतंत्र आपस में जब मिलते हैं तो एक मनुष्य का शरीर बनता है। तो ये उसका मानव शरीर की स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई। अगला क्वेश्चन दिया कि कोशिका क्या है, तो जीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, और सबसे पहले जो कोशिका देखी गई थी वो मृत कोशिका थी, जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो ये याद रखना होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है, ओवम होती है। और मानव दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसको हम दुनिया की सबसे छोटी कोशिका से या और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुक्राणु अंडा होती है। तो अगला पॉइंट इसका दिया है कि उस यंत्र का नाम बताए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। तो कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न इसका, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं या है? तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव को कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका का बना हो या एक ही कोशिका का बना हो। ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामेशियम। अगला प्रश्न है इसका कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है। तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। इसका उत्तर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है इसका, उत्तक क्या है। तो उत्तक का उदाहरण हो जाएगा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कोशिका के मुख्य अंगक या भाग कौन कौन है। तो कोशिका के मुख्य अंगक या भाग जो है उसमें हम झिल्ली का कोशिका, झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया या केंद्रक, ये तीन भाग होते हैं कोशिका के अंदर में और प्रमुख होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों के नाम कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीन क्या है। तो जीन इसमें सीधा सीधी कह सकते हैं, जीन क्रोमोसोम या कर्मसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न दिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका सीधा सीधे उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म को। इसके बाद जो है अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका क्या है। सजीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका उत्तर हो गया कोशिका का। उसके बाद है, उस यंत्र का नाम बताए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव को हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव क्या है, ये वह जीव जो एक ही कोशिका को बना हो, एक कोशिकीय जीव कहलाता है, अमीबा और पैरामेशियम। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। उत्तक क्या है, तो उत्तक एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में तीन अंतर बताए, तो कहा पादप कोशिका जंतु कोशिका में तीन अंतर। इसका उत्तर हो जाएगा, पादप कोशिका जो है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका केंद्रक झिल्ली में अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के मुख्य अंगक या भाग कौन कौन से हैं। तो कोशिका के मुख्य अंगक या भाग जो है इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों के नाम कोशिका द्रव्य और अंगक।
जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण या हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। कोशिका किस भाग को जीवित जीवित पदार्थ कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को। अगला प्रश्न दिया है, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है? क्लोरोप्लास्ट हरे पत्ते के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है? तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक में धागे जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसमें अंतर देखना है। तो यूकेरियोटिक कोशिका उसको कहेंगे जो जीवी कोशिकाओं के केंद्रक में जीवी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है, यूकेरियोट्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोट्स वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली विहीन होते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकेरियोट्स में सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोट्स में उदाहरण जीवाणु नील हरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, समझाइए क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में क्यों नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्यों नहीं पाया जाता है? पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधों और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न इसका जो दिया गया है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत इकाई है, समझाइए। तो सजीवों में कोशिका मूलभूत इकाई, इसको समझाना है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे को जोड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन की संरचना का इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो इसको सीधा सीधी याद रखिए कि कोशिका मानव शरीर का या सजीव शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी या जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती है तो ऊतक का निर्माण करती है, कई ऊतक आपस में मिलकर एक अंग बनाती है, कई अंग आपस में मिलकर एक अंगतंत्र का निर्माण करती है, कई अंगतंत्र मिलकर के एक समुचित जीव का निर्माण करती है। तो इस प्रकार कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा जा सकता है। तो ये कोशिका जो चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 8 का, उसके संरचना और कार्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उसको आपके समक्ष रखा। और आने वाले दिनों में मैं रेगुलर हर क्लास की वीडियोस अपडेट बना करके डालने की कोशिश करूँगा। आज यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। और मैं कोशिश करूँगा 8, 9, 10 का हर हाल में रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, और समय समय पर 12th क्लास की 11th क्लास की भी वीडियो डालता रहूँ। धन्यवाद।